भगवान बुद्ध, जिन्हें माना जाता है शांति का देवता। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान और परिनिर्वाण हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी पर हुआ था। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। इनके जन्म के कुछ दिन पश्चात इनकी माता का निधन हो गया। भगवान बुद्ध एक बार कुछ दूर अपने घर से निकले। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान एक बीमार व्यक्ति को देखा। कुछ पल और चलने के बाद एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। यात्रा के समापन में एक मृत व्यक्ति को देखा। इन सबसे सिद्धार्थ के मन में एक प्रश्न उभर आई कि क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा, क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा और क्या मैं भी मर जाऊंगा। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ सत्य की खोज में निकले। वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे समाज को सत्य और मोक्ष का रास्ता दिखाने में लग गए। जगह जगह उन्होंने लोगों को अहिंसा, सत्य और मोक्ष का ज्ञान दिया। उन्होंने कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा के दिन महापरिनिर्वाण लिया। बौद्ध धर्म के साथ हिंदू धर्म मानने वालों के लिए ये दिन बेहद खास है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन संसार को ज्ञान के प्रकाश को फैलाने वाले दिन के रूप में मनाते हैं। बुद्ध भगवान से जुड़ी यदि कोई और जानकारी आप जानना चाहते हैं या हमें बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और अपने सुझाव लिखकर फेसबुक पर पोस्ट करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा कर पाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।